इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि ई टैग में आप है जो कि अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अक्सर गाज हम सभी लोग ने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम बहुत सारे हैं जो कि ऐप है जो कि यूपीआई यूज करते हैं, लेकिन हम गाज हम सभी लोगों को कोई चीज बेनिफिट नहीं मिलती। जहां तक ये फोन पे से अगर रिचार्ज करते होंगे, अगर मोबाइल रिचार्ज या कोई पेमेंट, तो इसमें है जो कि 2 रुपये 3 रुपये एक्स्ट्रा चार्जिंग है जो कि काट ली जाती है। लेकिन इसमें है जो कि आप लोगों को यूटैग में अगर आप कोई चीज रिचार्ज करते हैं या पेमेंट करते हैं तो जहां तक कि आपको 2% 3% बेनिफिट भी मिलती है। तो आज की इस वीडियो में सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आप है जो कि यूटैग में कैसे है जो कि अपना अकाउंट बना सकते हैं और इससे बेनिफिट अर्न भी कर सकते हैं। इससे पहले मेरा नाम हुआ विजय कुमार, टेक्निकल राज में आप सभी लोग को स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर देना है और इस जगह से एक लाइक कर देना है और बेल आइकन क्लिक करके आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोग को नोटिफिकेशन और जानकारी तुरंत तुरंत मिलता रहेगा। अगर गाइज आप यूटैग में डायरेक्टली अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, टाइटल पे क्लिक करना है। जैसे आप टाइटल पे क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन नजर आएगी, इसमें आपको आना है। जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप क्लिक करके है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली आप अकाउंट बना सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर में यूटैग सर्च करके आप है जो कि वहाँ से भी अकाउंट बना सकते हैं। तो चलते हैं गाइज, आपको यूटैग में अकाउंट कैसे बनाना है आप सभी लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बने हुए रहिएगा जिससे कि आप लोगों को जानकारी पूरी तरीके से मिल सके। आपको क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे आप करते हैं तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होके आएगी। तो गाइज है जो कि डाउनलोडिंग की प्रोसेस में चली गई है, थोड़ी है जो गाइज डाउनलोड हो चुकी है। ओपन पे क्लिक करना है, जैसे ओपन पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होके आएगी। जो इसकी टर्म कंडीशन रहती है उसमें आपको अलाउ कर देना है। तो जैसे ओपन करते हैं टेका जो है ओरिजिनल वेबसाइट इस तरीके से इंटरफेस ओपन होके आएगी। आपको गाइज फर्स्ट में मोबाइल नंबर और दूसरी में पासवर्ड खोजेगी। तो अभी गाइज है जो कि अकाउंट क्रिएट ही करने जा रहे हैं, यानी बनाने जा रहे हैं, तो इसमें तो मेरा पासवर्ड भी कुछ पता नहीं है। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो फर्स्ट में मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर गाइज इसमें मैं इंटर कर देता हूँ। तो इसमें फाइनली है गाइज जो कि मैं मोबाइल नंबर डाल चुका हूँ। अब उसके बाद आपको क्या करना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो मोबाइल नंबर है होगी उस पर आपको मैसेज ओटीपी आएगी। तो फाइनली है गाइज ओटीपी आ चुकी है, अब मैं इसमें इंटर कर देता हूँ। तो फाइनली गाइज ओटीपी मैं इसमें इंटर कर चुका हूँ, अब सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं गाइज, तो ये है जो कि फर्स्ट में आपको रजिस्टर आईडी खोजेगी गाइज, और दूसरी में है जो ऑप्शन में स्पॉन्सर नेम, और तीसरी में नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, पिन कोड और एरिया, कैटेगरी और सिटी, ये सारा है जो कि इसमें इंटर करना है। फर्स्ट में आपको है गाइज रजिस्टर आईडी यानी स्पॉन्सर आईडी होती है, ये बिल्कुल फर्स्ट में नहीं किसी को मिलती है गाइज। जब भी आप इसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे तब भी आपकी स्पॉन्सर आईडी होती है। मैं किसी और का स्पॉन्सर आईडी इसमें इंटर किया हूँ, तो आप भी चाह सकते हैं तो ये है जो स्पॉन्सर आईडी आप भी इंटर कर सकते हैं। दूसरे उसके बाद सेकंड ऑप्शन में यानी दूसरे ऑप्शन में आपको स्पॉन्सर नेम ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर आप डालना चाहते हैं डाल भी सकते हैं, नहीं डालना है तो कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें आपको नेम अपना जो भी नाम है वो अपना नाम डालना है। तो चलते हैं गाइज, अपना है जो कि सारा एड्रेस इसमें इंटर करता हूँ। अब है सिलेक्ट एरिया, तो सिलेक्ट एरिया में आपको क्लिक करना है इसमें आइकन में। उसके बाद देख सकते हैं सारा आपकी जो एरिया होती है वो सारा आपको देखने को मिलेगा। आप जिस भी एरिया में रहते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद गाइज आपको आई अग्रीड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका है जो कि, तो गाइज अकाउंट है जो कि फाइनली मेरा बन चुकी है और है जो कि रजिस्टर सक्सेसफुली, और आईडी नंबर और पासवर्ड सारा है जो कि मिल चुका है, और है जो कि अकाउंट इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। टैग बिग में तो आपकी अकाउंट क्रिएट हो चुकी है गाइज, लेकिन एक और होती है इसी का एप्लीकेशन रहती है, टैग रिचार्ज बिल पेमेंट। अकाउंट बनाने के बाद भी जब आप ओपन करते होंगे तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होती होगी, जिसमें कि फिर से आपको ऑप्शन रजिस्टर का देखने को मिलती होगी। अगर दोस्तों आप यूटैग में अकाउंट बनाए होंगे तो आपको ये चीज जानना बहुत बेहद जरूरी होता है। टैग बिग है जो इसमें कि आपको फर्स्ट में सारा बायोडाटा एड्रेस इसमें इंटर करना होता है, उसके बाद इसमें है जो कि आपकी अकाउंट लॉगिंग हो जाती है, आपकी अकाउंट बनके रेडी हो जाती है। लेकिन जो भी आप बिल पेमेंट वेमेंट करना चाहते हैं तो यूटैग का है जो कि रिचार्ज बिल पेमेंट, जिस आपको है जो कि इसी को है जो कि डाउनलोड करना और इसी में है जो लॉगिंग करना होता है। तो आपको क्या करना है, जो इंस्टॉल में मैं क्लिक करता हूँ, जैसी करता हूँ तो ये है जो कि डाउनलोडिंग के प्रोसेस में चली जाती है। तो फाइनली है गाइज जो कि डाउनलोडिंग हो चुकी है, आप क्या करना है, ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो है जो कि इस तरीके से इंटरफेस ओपन होके आएगी, जिसमें कि लास्ट में आप देख सकते हैं लोडिंग लिख रही है। तो थोड़ा है जो कि वेट करना है, जैसी ये लोडिंग खत्म होती है उसके बाद आगे प्रोसेस बताता हूँ। उसके बाद जैसी ये ओपन होती है गाइज, इस तरीके से इंटरफेस ओपन होती है। आपको फर्स्ट बार में मोबाइल नंबर और दूसरी में है जो कि पासवर्ड। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में मोबाइल नंबर डालना है।
आपको करना क्या रहता है गाइस, जो यूटेक बिग में आप मोबाइल नंबर डाले हैं और उसमें जो आपकी पासवर्ड मिली है वही है जो कि इसमें आपको इंटर करना है। उसके बाद सिग इन में क्लिक करना है, तो ये है जो कि लोडिंग में चले जाएगी। उसके बाद है जो कि आपका ओपन होती है, जैसे आगे मैं प्रोसेस बताता हूँ। देख सकते हैं गाइस, ये है वेरिफिकेशन ओटीपी। तो वेरिफिकेशन ओटीपी जैसी आती है उसके बाद इसमें है जो कि इंटर आपको करना है। ओटीपी आ गई है, उसके बाद मैं इसमें ओटीपी इंटर करता हूँ। तो फाइनली है गाइस जो कि मैं ओटीपी इसमें डाल चुका हूँ। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे सबमिट पे क्लिक करता हूँ दूसरे प्रोसेस में चली जाती है गाइस। उसके बाद देख सकते हैं गाइस, जो मेरा अकाउंट है वो बन के रेडी हो चुकी है। इसमें देख सकते हैं लिखी हुई हाय विजय। और आप जितने भी मोबाइल रिचार्ज हो गया, डाटा हो गया, जैसे आप पहले गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में करते थे, सेम इसी प्रोसेस से आप इसमें भी कर सकते हैं। और उसमें जो है कि आपको कोई बेनिफिट तो नहीं मिलती होगी गाइस, लेकिन इसमें जो है आपको जो भी होगी 5% 10% इसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगी। तो यूटेक को यूज करने के लिए गाइस आपको दो एप्लीकेशन की इसकी आवश्यकता पड़ती है, जो कि इसी का एप्लीकेशन होती है, यूटेक बिग और यूटेक। अगर आप दोनों इसमें है जो कि डाउनलोड करते हैं तभी है जो कि आप रिचार्ज वगैरह, मनी ट्रांसफर हो गया, आप सारा चीज कर सकते हैं। इसमें जैसे आप खोलेंगे गाइस तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आएगी, जो कि यूटेक बिग है। और यूटेक में जैसे आप खोलेंगे तो सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोनों चीज होती है कि जो कि आपको डाउनलोड करना होती है तभी जाके आप यूज कर सकते हैं और इससे बेनिफिट कमा सकते हैं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई नॉलेज के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।